गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर डूइंग सोशल साइंस ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड एंड वी आर डूइंग चैप्टर फोर्थ ऑफ ज्योग्राफी मैप्स। वी आर डूइंग डिस्कस अबाउट द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्शंस। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। कहते कुछ मैप, मोस्ट मैप ऐसे होते हैं जहाँ भी अपर राइट कॉर्नर पर एक लेटर मार्क होता है जिसे बोलते हैं एन। दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, यह नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। सी दिस, जैसे कि ये मैप बना हुआ है, मैप ऑफ विलेज, विलेज का मैप बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो राइट, अपर राइट कॉर्नर में क्या है, नॉर्थ एरो बना हुआ है जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसे नॉर्थ लाइन बोलते हैं। वेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ दिशा पता है तो आप दूसरी दिशाओं को, दूसरी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। मीन्स अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता है मैप में नॉर्थ कहाँ पर है, तो आपको ईस्ट, वेस्ट और साउथ आसानी से ढूंढ सकते हो। देर आर फोर मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कि हमारी फोर मेजर डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन, और इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन्हें क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। अदर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सारी क्या है, हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। एंड दीज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कहते जब हमें इंटरमीडिएट डायरेक्शंस का अच्छे से पता है तो हम किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी जगह को एक्यूरेटली, मतलब सही ढंग से ढूंढ सकते हैं। कि एक्यूरेट हमें पता है कि वो जगह यहाँ पर होगी, मतलब हमें किसी भी जगह को ढूंढने के लिए डायरेक्शन का ज्ञान भी होना चाहिए। नाउ सी थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप, सिंबल। सिंबल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ थर्ड इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज of different features such as building, roads, bridges, trees, railways lines or a well। कहते हम actual, जैसे कोई building कैसी दिखाई दे रही है, road कैसी है, bridges कैसी हैं और trees, railway, इनको हम actual नहीं बना सकते, बिल्कुल वैसा ही नहीं बना सकते। So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and line। मतलब कुछ ये जो हम बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह को एक्चुअल वैसा नहीं बना सकते, लेकिन इनको मैप पर दिखाने के लिए हम कुछ लेटर्स, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, जो लेटर्स होते हैं जैसे ए बी सी, कुछ भी हम ये यूज़ करते हैं, कुछ शेड, कलर या फिर कोई पिक्चर लाइन, मतलब इनकी जगह पर हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। दे सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। और जो ये सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, कोई लेटर यूज़ कर रहे हैं, शेड यूज़ कर रहे हैं, कलर यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर या लाइंस यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो सिंबल्स हैं हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं लिमिटेड स्पेस में, छोटे से स्पेस में हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन से पता लगती हैं। विद द यूज़ ऑफ दी सिंबल मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड। इन सिंबल्स को हम यूज़ करके मैप को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से, सिंपल ढंग से हम उसे पढ़ भी सकते हैं। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयर फोर कैन नॉट नो आस्क समवन फॉर द डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल। अगर हम किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ की हमें लैंग्वेज, भाषा नहीं पता, तो हमें, हम लोगों से भी नहीं पूछ सकते क्योंकि हमें उनकी भाषा ही नहीं पता, हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हम उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि ये घर कहाँ पर है या फिर ये बिल्डिंग कहाँ पर है, ये हॉस्पिटल कहाँ है, हमें उनकी भाषा ही नहीं समझ में आती, तो हम पूछ नहीं सकते इजीली उनसे। तो हमारे पास अगर मैप है तो यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल। अगर हमारे पास मैप बना हो और इस तरह के सिंबल्स बने हुए, सिंबल्स
सिंबल्स की सहायता से हमें आसानी से पता लग जाता है कि वह चीज़ कहाँ किस दिशा में होगी। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। अब जो मैप बनते हैं उनमें यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, मतलब ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको सभी जानते हैं, तो वो सभी अंडरस्टूड कर सकते हैं उसे आसानी से। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दी सिंबल। अब जो सिंबल्स मैप में लगाए जाते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल तक उस अगर मैप में कोई भी सिंबल यूज़ करना है, कोई भी निशान यूज़ करना है, साइन यूज़ करना है, तो इंटरनेशनल लेवल पर उस साइन को लेकर एग्रीमेंट होते हैं, मतलब सबकी सहमति होती है तब वह सिंबल मैप में यूज़ किए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर शोन इन फिगर 4.3। सी दिस 4.3 फिगर कन्वेंशनल सिंबल्स। यहाँ पे सारे कन्वेंशनल सिंबल दे रखे हैं, तो ये सारे सिंबल हर जगह एक जैसे ही होंगे। इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल लेवल पर सहमति होती है हर चीज़ को लेकर, तो ये सारे सिंबल हर जगह एक जैसे ही होंगे। जैसे आपको रेलवे लाइन कहीं जाते हो, आपको मैप में रेलवे लाइन देखनी है, कहाँ पे आप मैप खोलोगे तो यहाँ से रेलवे लाइन इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रॉड गेज बोलते हैं, इसे मीटर गेज बोलते हैं, इसी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ गया ऐसा साइन है। देन रोड्स, मेटल रोड है, अनमेटल रोड है। नाउ बाउंड्री, दिस इज़ अ इंटरनेशनल बाउंड्री, दिस इज़ अ स्टेट बाउंड्री एंड दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। रिवर्स, वेल, ये दिस इज़ अ रिवर, वेल दिस इज़ अ वेल। एंड टैंक, दिस इज साइन ऑफ टैंक। अगर मैप में आपको ये साइन नज़र आता है, मतलब यहाँ पे टैंक है, मीन्स अगर आप ऐसा साइन देखते हो तो इसका मतलब क्या कैनाल है, अगर ऐसा साइन देखते हो तो इसका मतलब क्या ब्रिज। नाउ देखो, दिस इज़ अ टेम्पल, ये साइन किसका है, टेम्पल का। दिस इज़ अ चर्च, दिस मॉस्क्यू एंड दिस चैट्री। मतलब ये सारे सिंबल्स जो इंटरनेशनल लेवल पर इनके एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ही बनाए जाते हैं। जो भी कोई चीज़ देश में या पूरे संसार में यूज़ होनी होती है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर ही होती है। तो ये सारे सिंबल आपको हर मैप में जहाँ भी आप कहीं देखोगे, अगर आपने पोस्ट ऑफिस ढूंढना है तो पोस्ट ऑफिस PO ऐसे होगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस ढूंढना है तो हर जगह आपको मैप में PTO वहाँ पे लिखा होगा। पुलिस स्टेशन मीन्स PS। सेटलमेंट, हेयर इज सेटलमेंट। ग्रे यार्ड, ट्रीज, दिस इज अ साइन ऑफ ट्रीज। ग्रास, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रास। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, दिस इज कन्वेंशन सिंबल एंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल वी कैन रीड द मैप इजिली। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।